देश भर के आम नागरिकों के लिए फिर से एक नई योजना का शुभारंभ करने वाले हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। जो योजना दोस्तों 27 सितंबर से शुरू होने वाली है। कौन सी नई योजना आने वाली है दोस्तों देश भर के सभी आम नागरिकों के लिए, इसे भी हम जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और पैक्टल वीडियो हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों जानेंगे वो कौन सी नई योजना हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करने वाले हैं 27 सितंबर को। आने वाली नई योजना को जानने के लिए दोस्तों हम इस न्यूज आर्टिकल को पहले रीड एंड वॉच करेंगे और अच्छे से जानेंगे कौन सी नई योजना देश भर के सभी आम नागरिकों के लिए आने वाली है। जैसा कि दोस्तों हर भारतीयों का बनेगा यूनिक हेल्थ आईडी, पीएम 27 को करेंगे लॉन्च। ये न्यूज आर्टिकल दोस्तों आज की है जिसमें ये इस प्रकार की न्यूज आई है सभी आम नागरिकों के लिए कि कौन सी नई योजना आने वाली है और क्या होगा इससे लाभ और क्या हेल्थ से रिलेटेड लाभ होगा आम लोगों को। तो चलिए दोस्तों रीड एंड वॉच करेंगे और जानेंगे कौन सी नई योजना है। देश में अब हर नागरिक का यूनिक हेल्थ आईडी बनेगा। इस आईडी में व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। मोबाइल नंबर और आधार नंबर से यूनिक हेल्थ आईडी बनाया जाएगा दोस्तों। इसका मकसद देश की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लॉन्च करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी है। इस योजना के तहत नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाया जाएगा। यह पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसमें 14 अंकों का एक कार्ड दिया जाएगा दोस्तों। इसी नंबर के जरिए डॉक्टर उस व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड जान पाएंगे। जैसा कि दोस्तों आने वाले समय में 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले ही 6 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन और दीप, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडुचेरी में लागू किया जा चुका है और अब पूरे देश में यह योजना लागू करने की तैयारी चल रही है दोस्तों। यूनिक आईडी कार्ड के क्या होंगे फायदे? सबसे पहला क्या होगा कि आप यहाँ पे रीड एंड वॉच कर पाएंगे। व्यक्ति का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड में होगा और यह सेंट्रल सर्वर से जुड़ा रहेगा दोस्तों। दूसरा जो फायदा होगा, देश में कहीं भी कार्ड से डॉक्टर को संबंधित व्यक्ति की पूरी जानकारी मिल जाएगी आसानी से। इसके साथ ही मरीज का डाटा दोस्तों उसकी इजाजत के बिना डॉक्टर नहीं देख पाएंगे। आगे क्या लाभ है वो भी आप जान सकते हैं। कार्ड का इस्तेमाल करने पर मरीज के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। इस ओटीपी को डालने के बाद ही डॉक्टर मरीज की जानकारी देख पाएंगे दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी और जानकारी पूर्ण लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।